हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और फिर से शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की ये सीरीज। सो आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड एंड व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। So today the center of the discussion will be the era of mass nationalism begins. Like 1919 से 1939 के time period को हम आज discuss करेंगे, जब ये era of mass nationalism जो है वो India में begin हो चुका था। तो हमने पिछले लेसन में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है नेशनलिस्ट का जो पुनरुत्थान होता है, जो रिसर्जेंस होता है, वो किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि आफ्टर द वॉर, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो जो इंडिया में कंडीशंस थे वो काफी ज्यादा इस हद तक इन्फ्लुएंस्ड हुए कि यहाँ पे इन्होंने ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें नेशनल अपसर्ज होना जो है वो जरूरी हो गया था फॉरेन रूल के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स थे उसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप। अब कोई भी वॉर है ना, वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो बहुत ही शक्तिशाली कोई देश हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड हो या पुअर कंट्री हो, किसी भी कंट्री के लिए वॉर एक बहुत ही बुरी चीज होती है, जो कि ना तो सिर्फ आपके इकोनॉमी को हर्ट करती है, बाकी चीजों को भी आपकी काफी ज्यादा वो हर्ट करती है। तो सबसे पहले अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हो, तो यहाँ पे इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा चीजें जो है गड़बड़ी देखने को मिली, जैसे कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गुड्स के इंक्रीज होने लग गए थे, रिसेशन आना शुरू हो गया था, और उसके बाद जो FDI है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट या फिर इंडियन जो इंडस्ट्री थी उनको काफी ज्यादा लॉस भी यहाँ पे हो रहा था। दूसरी बात थी वर्कर्स की या फिर आर्टिजन्स की। सो मतलब यहाँ पे क्या था कि जब दूसरे देश की चीजें यहाँ पे आएंगी तो फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा प्राइसेस आप बढ़ा दोगे तो उसको लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, ये भी एक चीज थी। और वॉर के बाद जब सारे देशों की जो संपत्ति थी, जो ट्रेजरी थी, वो खाली हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा ही। पीजेंट्री की अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे ये जो पेजेंट्स थे, ये जो किसान थे, उन पे भी बहुत ज्यादा बर्डन आना शुरू हो गया था, उन पे बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे, पॉवर्टी उनमें, गरीबी देखने को मिल रही थी, और ये जो पेजेंट्स थे वो कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमें बस मौका मिले और हम प्रोटेस्ट अपनी शुरू करें। सोल्जर्स की अगर आप बात करते हो, तो जो सोल्जर्स अभी अभी अपने बैटल फील्ड से लौटे थे, लड़ाई करके लौटे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उनको भी जाना था, तो उनको ये लगा था कि मतलब जब वो अपने घर से वापस आएंगे अब्रॉड से, तो फिर उसके बाद वो एक रूरल जिंदगी अपनी जो जीने की होती है वो जी पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस इनको करने को मिला नहीं। द वन थिंग वॉज एजुकेटेड अर्बन क्लास, तो ये जो सेक्शन था ये सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा था, बिकॉज इनके पास क्या थी, एक तो एक तरफ ये अवेयर हो चुके थे, एक तरफ ये एजुकेटेड हो चुके थे, दूसरी तरफ ये ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड समझ चुके थे। तो एक चीज होती है ना कि जब आपने आप में कोई कॉन्शियसनेस वाली स्थिति आ जाती है, जब आप चीजों को समझ रहे हो कि ये चीज जो है वो गलत हो रहा है, तो आप उसको कितने हद तक बर्दाश्त कर पाओगे, और खासकर तब जब आप एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो, राइट। तो ये चीजें जो है वो एजुकेटेड अर्बन क्लास को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। दूसरा रीजन ये था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर द कॉपरेशन इन द वॉर, मतलब जब इंडिया का सपोर्ट ब्रिटिशर्स को चाहिए था, तो उसी को लेके जो है ना आपका कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में एक झड़प होनी शुरू हुई थी। मॉडरेट्स का कहना था कि हमें अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, हमें मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि बाद में ब्रिटिशर्स हमें पे ऑफ करेंगे इसके बदले में, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरीज ये कह रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है, अभी ब्रिटिशर्स जो है वो वॉर में बिजी हैं, तो उनके खिलाफ एक और वॉर हमें भी छेड़ देना चाहिए, कभी वो अभी वो हाल के दिनों में वो कमजोर पड़े हुए हैं। तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया वॉर में, और इनको ये था कि वॉर में जीतने के बाद ये जो वॉर एफर्ट इन्होंने किया है, अपने सोल्जर्स को कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत सारे जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने अपने लाइफ सैक्रिफाइस की, बहुत लोगों की डेथ हुई, तो ये सब देखने के बाद इनको ये पता, इनको ये एक्सपेक्टेशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि बाद में ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कुछ लेके आएंगे, जो कि मतलब इनको नहीं पता था कि ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बाद हालांकि ब्रिटिशर्स ने इनके ये जो वॉर एफर्ट थे ना, इनको
बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था, जबकि इंडियंस ने एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इस वॉर एफर्ट में. द नेक्स्ट थिंग वॉज नेशनलिस्ट डिज्यूजमेंट विथ इम्पेरियलिज्म वर्ल्ड वाइड. मतलब जो एक साम्राज्यवाद की जो डिसइल्यूजनमेंट वाली स्थिति थी ना, वो पूरे नेशनल नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें पता चल चुकी थी. जो भी अलीड पावर थे, जो कि कॉलोनीज और या फिर यहाँ यहाँ पे अपने रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि चलो हम एक एरा ऑफ डेमोक्रेसी या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन या जो सेल्फ गवर्नमेंट वाली चीज है आफ्टर द वॉर हम करेंगे. लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं. जब वॉर हुआ तो दोनों साइड्स जो थे उन्होंने अपने अपने प्रोपोगंडा लाए, अपनी अपनी चीजें इन्होंने रखी. लेकिन जब ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है तो यहाँ पे जो पीस ट्रीटी साइन की जाती है उसके बाद ये जो कॉलोनीज थे यहाँ पे, इनको इनकी जो रियल मोटिव थी वो सामने आ चुकी थी कि इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये अपने पावर को जो है वो वापस छोड़ेंगे. जो भी ये कॉलोनीज पे ये राज कर रहे हैं, जिनको इन्होंने ये जो कॉलोनीज और बैंकिस्ट पार्ट है, मतलब जो इन्होंने अपने जो डिफीटेड हो चुके हैं जिन पे वो रूल कर रहे हैं, वो उनको छोड़ेंगे या उनको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. और ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल साफ हो चुका था. दूसरे जितने भी पीस ट्रीटी साइन किए गए थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उनको सेल्फ गवर्नमेंट देगी, सेल्फ गवर्नेंस देगी. ओके, तो ये सारी चीजें थी. इसीलिए इसका भी एक रिजल्ट था कि पोस्ट वॉर जो पीरियड था उसमें एक रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली. देखने को सिर्फ एशिया में नहीं मिली, और भी बाकी कंट्रीज में आपको देखने को मिली थी. जैसे अफ्रीका में आपको टर्की में, इजिप्ट में, आयरलैंड में, ईरान, अफगानिस्तान, फिलीपींस और इंडो चाइना या चाइना या कोरिया, ये सारे जगह आपको ये चीजें जो है वो दिखने को मिली थी. तो ये इम्पेरियलिज्म जो है वो वर्ल्ड वाइड आपका ये जो डिसइल्यूजनमेंट था वो साफ हो चुका था. उसके बाद आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो जाननी होंगी कि आखिर रशियन रिवॉल्यूशन है था क्या. थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इसको बताती हूँ. एक सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन था आपके 20th सेंचुरी का, जिसने जो जार निकोलस की जो रूलिंग थी उसको ओवरथ्रो किया था और उसके बाद एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट रखी थी. 1905 में क्या था कि जो जार के गार्ड थे ना, उन्होंने एक जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पीसफुल प्रोटेस्टर पे उन्होंने जो है वो गन फायर करवा दिया था. और ये इसमें क्या हुई थी, मतलब कम से कम सैकड़ों लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी. जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था ना कि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपना बात विचार कर रहे थे, मेले की तरह एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद वहां पे गोलियां चलवा दी गई थी. उसी तरीके से यहाँ पे हुआ था. सो यहाँ पे जो है इसके बाद बहुत ज्यादा इनमें गुस्सा आ गया था, और इसी को लेके दो तीन चीजों में यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था. एक तो आपका हुआ था फरवरी रिवॉल्यूशन, जो कि आपका फरवरी 23rd 1917 को शुरुआत हुई थी इसकी. तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि रशिया जो है एक मैसिव सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे. प्रोटेस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि एक रेजिग्नेशन जो है वो जार निकोलस सेकेंड को देना पड़ा था, और इसने रशियन एम्पायर को किसी तरीके से एंड किया था. और आफ्टर द फरवरी रिवॉल्यूशन आप कहते हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फॉर्म की गई थी. फिर मार्च में भी रिवॉल्यूशन होता है, तो फर्स्ट रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो 1917 में स्टार्ट हुआ था, जिसने जार रूल को रशिया में ओवरथ्रो किया था. और उसके बाद इसका मार्च रिवॉल्यूशन होता है जो कि 8 मार्च 1917 को बिगिन होता है. रशिया इसमें अपना जूलियन कैलेंडर यूज करता है, तो इसीलिए इसको जो है वो 8 फरवरी को मनाता है, और इसीलिए इसे फरवरी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. अब यहाँ पे क्या था कि लास्ट जो आपका हुआ था ना वो था आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और ये था सेकेंड एंड लास्ट मेजर पार्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917. ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. और इसे हम बोल्सेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा. रशियन रिवॉल्यूशन जो लास्ट हुआ था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, उसे बोल्सेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें जो मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी थी उसको टॉस्का है और ये सारे लोग जो है यहाँ पे इसको लीड कर रहे थे. और उसके बाद
जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए कहा अक्टूबर में, लेकिन इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक रिवॉल्ट उन्होंने कर दिया था। रिवॉल्यूशन जो है वो बोल्शेविक के द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और फिर जो एक विंटर पैलेस था इनका उन्होंने उसको भी कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद जाके ये जो है बोल्शेविक ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत यूनियन में स्टैब्लिश किया था, और एक नए गवर्नमेंट का जो है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा यहाँ पे शुरुआत होती है। तो लेनिन का नाम बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को मिल भी है वर्ल्ड हिस्ट्री की जब बात आती है। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन का पर्पस ही बस यही था, रीजन इसके होने का यही था कि रशिया उस समय एक बहुत ज्यादा इम्पोवर्स कंट्री माना जाता था यूरोप में, और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा थे, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन इसकी लैंडलेस हो चुकी थी, एग्रीकल्चर पे बेस हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे पॉवर्टी भी काफी ज्यादा राइज भी थी, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उनका काफी ज्यादा एक्सप्लोइटेशन भी हो रहा था। और उसके बाद कम्युनिस्ट ये भी चाहते थे कि वो एक इंडस्ट्रियलाइज सोवियत यूनियन की शुरुआत करें और उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को वो आगे लेके जाएं। तो ये सारे रीजंस के चलते जो है वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन आपका हुआ था। सो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे देखने को मिला। सो अक्टूबर रिवॉल्यूशन ब्रॉट होम द मैसेज दैट, मतलब अगर आप में लोगों में एक कॉमन मासेस में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो कैपेबल है कि वो चैलेंज कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज को जो उनके खिलाफ बात कर रही हो। रशिया के रिवॉल्यूशन से ये इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिला। After that आता है आपका Montague Chelmsford Reform, जिसे हम Government of India Act 1919 भी कहते हैं। मैंने पिछले लेसन में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, आज इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी, और मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये एक्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी शुरू होती है तो उसका जो पहला पार्टी है ना आपका, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, इससे शुरू होता है, जिसमें आपको सारे एक्ट पढ़ने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर दिस आपका चार्टर एक्ट से लेके जितने भी पहले के एक्ट थे सारे आपको पढ़ने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, और उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है सारा आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। सो यहाँ पे ये जो आपका मैंने पिछले लेसन में मॉली मिंटो रिफॉर्म डिस्कस किया था, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया था वो था कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। मतलब क्या होता है, पहले आप गाजर का लोभ दो और उसके बाद जब वहां पे वो गिलहरी आ जाए तो फिर उसको उसको स्टिक से मार दो, ऐसी वाली स्थिति थी इनकी। पहले ये प्रलोभन देते थे और उसके बाद जब उस प्रलोभन में आप आ जाते हो तो फिर आपको आपकी जो है असली जगह वो दिखाई जाती है। सो कैरेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता था, इन्होंने जो रिफॉर्म लाने की बात करी कि भैया हम तो अब आपके लिए सोच रहे हैं और अब हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला रहे हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हम रिफॉर्म ला रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा, ताकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है या ये जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हो रही है या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है या गवर्नमेंट के खिलाफ जो बातें हो रही है वो शांत हो जाए। तो यहाँ पे बाद में जाके क्या मेजर्स लाए जाते थे, रॉलेट एक्ट, जो कि आपका स्टिक की तरह काम करता था। तो रॉलेट एक्ट एंड ऑल ये सब हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉट अभी वरी अबाउट दैट। सो जब मॉन्टेग्यू की स्टेटमेंट आई थी 1917 में, जो कि मैंने पिछले लेसन में आपको बता दिया है, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने की बात करी, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, और यही आपका बेस बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इनएक्ट होने का, मतलब इसके प्रावधानों को बनाने का। अब बात आती है कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। सो अगर आप मेन फीचर्स की बात करते हो तो यहाँ पे सबसे जो मतलब एक कहते हैं सबसे बुरी चीज जो इंडिया के लिए हो सकती थी, एक तो इन्होंने जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट है, उसको तो इंट्रोड्यूस करके इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनी अप्लाई कर ही दी थी, जो कि मॉली मिंटो रिफॉर्म में हो गया था। उसके बाद इन्होंने डायर्की को इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब डायर्की को इंट्रोड्यूस किया गया तो इनको बस ये लगा कि किसी तरीके से डायर्की के कारण ये अपने रियल पावर को अपने हाथ में रखें और बस नाम मात्र के जो कहने के पावर्स होते हैं वो इन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सौंपे जाए। इसको जब आप इसके एक्ट के फीचर्स को पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो डायर्की को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायर्की मींस रूल ऑफ टू,
जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी, काउंसिलर और पॉपुलर मिनिस्टर्स के पास रहेंगे, वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और गवर्नर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होगा प्रोविंसेस में। आप कह सकते हो कि इस एक्ट की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थी उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि इन्होंने क्लियर डिवीजन किया था फॉर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो तो उनके हाथ में क्या क्या चीजें आ रही है, ये देखिए, डिफेंस उनके हाथ में आ रहा, फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ में आ रहा, रेलवे उनके हाथ में आ रहा, कम्युनिकेशन, पब्लिक डेस, पब्लिक डेट या फिर पोस्ट या टेलीग्राफ या करेंसी या क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल लॉज हो गए या कॉमर्स की बात हो गई या ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया या फिर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, ये किसके पास आ रहा है, सेंटर के पास आ रहा है। ठीक है, चलो डायरकी इंट्रोड्यूस किया आपने, आपने सेंटर को ये पावर दे दिए, ओके फाइन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आपने क्या दिया था, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यहाँ पे बस ये मिलता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो भी इंटरनल लॉ ऑफ ऑर्डर मेंटेन करना है। फिर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो होती है, फॉरेस्ट हो गया, इरिगेशन हो गया, फैक्ट्रीज के लिए इंस्पेक्शन करना है, आपको लेबर लॉज के लिए सुपरवाइज करना है, या फिर फमाइन रिलीफ के लिए, या लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लाना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप संभालो, आप एजुकेशन संभालो, आप मेडिकल डिपार्टमेंट संभालो, आप पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन संभालो, एग्रीकल्चर आपको मिलता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपको मिलता है, फिर एक्साइज और कोऑपरेटिव भी आपको दिया जाता है। तो मतलब देख रहे हो, इनके पास जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देंगी, वो चीजें इनको दे रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और बाकी की चीजें जहां से इनको आमदनी आ सकती है वो किनके पास चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जहां पे इनको पावर जो है वो मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये चीज थी यहाँ पे। अब आगे अगर आप बात करते हो कि डायरकी के अलावा क्या इन्होंने चीजें करी थी, तो यहाँ पे आता है कि सब्जेक्ट्स जो है वो दो लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर गवर्नर जनरल की बात करते हो ना आप, तो गवर्नर जनरल जो है वो काफी ज्यादा इनको रिमेंड रखा गया था, एज इट इज रखा गया था। तो सोर्सेस ऑफ इनकम और हेड ऑफ रिवेन्यू सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी डिलिमिट कर दिया इन्होंने, और गवर्नर जनरल को भी इन्होंने रिमेंड रखा, जैसे कि पहले था कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नर जनरल, और ना कि इंडियन लेजिस्लेचर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ऑफ द गवर्नर जनरल, वो जो है वो एनलार्ज कर दिया गया था। ऑल दो इसमें कोई भी जो एक्ट में इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं डाले गए थे, लेकिन एक चीज ये की थी इन्होंने कि 3 मेंबर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्होंने चूज करने के लिए कहा था कि 3 मेंबर्स जो है वो इंडियंस होंगे जिसे हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और हुई थी कि इन्होंने जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करी थी। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो किसके चार्ज में होंगे, गवर्नर जनरल के चार्ज में होंगे और उनके मिनिस्टर्स के चार्ज में होंगे, जो कि किसके द्वारा अपॉइंटेड होंगे, वो अपॉइंटेड होंगे फ्रॉम अमंग द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये इससे जो है वो यहाँ पे अपॉइंटेड होंगे। तो इम्पोर्टेंट मैटर्स जितने भी है ना, लाइक लॉ एंड ऑर्डर और या फिर ये सारी चीजें, ये जो सारी जो चीजें हैं वो इंक्लूड की गई थी रिजर्व सब्जेक्ट में। रिजर्व सब्जेक्ट में ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे रखा गया था, जिसमें से कि आपका एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, सैनिटेशन आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है, ये सारी चीजें, और ये बाद में चल के ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में इनको डाला गया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं कि फिर अगेन रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो यहाँ पे आपने ट्रांसफर्ड में डाल दिए, और जो इम्पोर्टेंट जैसे कि जिसमें आपका होता है ना कि रिवेन्यू आ रहा है या फिर जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पावर पे आपको मिल रहा है, वो आपने किस में रखा, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट में रखा, और बाकी चीजें आपने ट्रांसफर्ड में डाल दी। सो द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो एडमिनिस्टर्ड होंगे मिनिस्टर्स के द्वारा जो कि नॉमिनेटेड होंगे फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सारी चीजें थी। अगर मतलब पावर ऑफ गवर्नर की बात करते हो ना, तो अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी होगी कि जो गवर्नर जनरल का पावर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा माना जाएगा। अब यहाँ पे अगर रिजर्व सब्जेक्ट की बात करते हो, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पावर्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टेड थे,
काफी ज्यादा लिमिटेड थे। और अगर आप ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करते हो तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो ना तो कट डाउन कर सकते थे ना तो रिफ्यूज कर सकते थे कोई भी डिमांड अगर उधर की तरफ से आई है तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो मिनिस्टर्स थे वो रेस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के लिए और उसके बाद वो रिजाइन करना था अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ जो है वो पास हो जाता है तो। और दूसरी तरफ जो है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के लिए नहीं थे। तो आप देख रहे हो कि लेजिस्लेचर को जो है यहाँ पे पावर्स भी कम दिए गए हैं और बाकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं वो कहीं से भी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। और तीसरी बात ये थी कि अगर कोई फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में इन द प्रोविंसेस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट। मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी कार्यकारिणी में कुछ भी ऐसा कुछ भी इधर उधर होता है कि नहीं चला पा रहे जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ना उसी तरीके से तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वहां पे ये जो गवर्नर है वो उसके चार्जेस ले सकते थे और अपने हिसाब से उसको जो है वो चला सकते थे। दूसरी चीज एक और भी थी यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स में जो आता है कि एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट वाइल इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट द स्कोप फॉर देयर इंटरफेरेंस वर रेस्ट्रिक्टेड। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के या फिर गवर्नर जनरल जो थे वो रिजर्व सब्जेक्ट में अपनी जो है वो इंटरफेरेंस कर सकते थे लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट में उनके जो इंटरफेरेंस थी वो थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखी गई थी। अब अगर लेजिस्लेचर के संदर्भ में आप बात करते हो तो यहाँ पे लेजिस्लेचर को भी एक जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपैंड किया गया था। 70% जो उसके मेंबर्स थे वो इलेक्टेड होने थे यहाँ पे और उसके बाद जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो इंट्रोड्यूस किया गया था मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म में उसको फर्दर जो है वो कंसोलिडेट किया गया उसको फर्दर जो है वो बढ़ाया गया था। विमेन्स को यहाँ पे राइट टू वोट जो है दिया गया था एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे वो इनिशिएट कर सकती थी लेजिस्लेशन को बट द गवर्नर एसेंट वॉज रिक्वायर्ड। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे कोई भी लॉ बनाने के लिए शुरुआत तो कर सकती थी लेकिन उसमें गवर्नमेंट का एसेंट जो है गवर्नमेंट की जो मंजूरी है गवर्नर की वो जरूरी होती थी। जो गवर्नर होते थे वो वीटो पावर था उनके पास बिल को वो वीटो कर सकते थे और वो इशू कर सकते थे ऑर्डिनेंसेस भी। तो जो गवर्नर जनरल थे उनको जो है वो एम्पावर किया गया था कि वो प्रोमल्गेट भी कर सकते थे ऑर्डिनेंसेस को इन केस ऑफ इमरजेंसी जिसका कि मतलब जो टाइम लिमिट होता था वो होता था 6 मंथ और अनलेस इट रिड्यूस्ड इनटू द एक्ट बाय द लेजिस्लेचर ये 6 मंथ तक ये रहा था। ये जो है यहाँ पे ये वोटेबल भी हो सकते थे नॉन वोटेबल भी हो सकते थे ये ग्रांट्स इनके। सो इंटरेस्ट जो होते थे ऑन लोन्स एंड फंड चार्जेस या सैलरीज या पेंशन या फिर ये सारी चीजें जो होती थी और या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए या हिज मजिस्ट्री के जो अपॉइंटमेंट के लिए होती थी ये सारी चीजें इन्होंने नॉन वोटेबल जॉइंट्स में रखे थे। मतलब कि वहां पे वोटिंग नहीं हो सकती है वहां पे जो गवर्नर जनरल की जो मंजूरी होगी वही वहां पे होगा। फिर उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो रिजेक्ट कर सकती थी बजट को बट द गवर्नर कुड रीस्टोर इट इफ नेसेसरी। अगर गवर्नर जनरल चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिजेक्शन के बाद भी अगर उसे लगेगा कि ये नेसेसरी है तो वो उसको रीस्टोर कर सकती है। मतलब इनके कोई भी जो रिजेक्शन है वो मैटर नहीं करती थी। और लेजिस्लेटर जो है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया गया था वो इन चीजों को डिस्कस कर सकते थे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको यहाँ पे दी गई थी। अब एक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल विदाउट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पे इन्होंने बनाया लेकिन यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किस तरीके से ये हो रहा था कि जो नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इस एक्ट में ऑल इंडिया लेवल पे वो लाया गया था। जैसे कि अगर आप इसके प्रावधानों की बात करते हो तो एग्जीक्यूटिव के सेंस में द गवर्नर जनरल वॉज टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब जितने भी रियल पावर हैं वो किसके हाथों में थे गवर्नर जनरल के। उसके बाद यहाँ पे दो लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 8 मेंबर होने थे उसमें इन्होंने कहा कि 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो है वो पूरा कंट्रोल रखेंगे किस पे
रिजर्व सब्जेक्ट पे जो प्रोविंसेस में लाए गए थे, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल है वो रिस्टोर कर सकते थे ग्रांट्स को, बिल को सर्टिफाई कर सकते थे, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर उनको लगेगा कि ये जरूरी है, नेसेसरी है, तो वो उसको रिस्टोर कर सकते थे और उसके बाद वो ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद लेजिस्लेचर के सेंस में एक बायकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सो लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, हमारे यहाँ भी है, आपको पता है कि लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है आपके पॉलिटी में, तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ के भी देख लीजिएगा ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक बायकैमरल जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे किया गया था। तो आपको पता है कि 145 मेंबर्स उस समय होने थे लोअर हाउस में, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसमें आपके 41 नॉमिनेटेड होते थे और 104 जो होते थे वो इलेक्टेड होते थे। अब 104 जो इलेक्टेड होते थे उसमें 52 जनरल से आते थे, 30 मुस्लिम्स के लिए था, 2 सिखों के लिए था और 20 स्पेशल लोग होने थे। अब अगर अपर हाउस की आप बात करते हो, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, तो उसमें 60 मेंबर होते थे, जिसमें 26 जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे और 34 जो है वो इलेक्टेड होते थे। अब इन 34 में 20 आपके जनरल थे, 10 आपके मुस्लिम से, 3 यूरोपियन और 1 सिख थे। मतलब आप देख रहे हो कम्युनल इलेक्टोरेट वाली जो चीज है अब सिर्फ मुस्लिमों तक नहीं रह गई थी, सिखों, यूरोपियन और इनके लिए भी अब रिजर्व कर दिया गया था। तो ये जो है यहाँ पे ये आंकड़ा जो है आपको दिया गया है। फिर उसके बाद जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उनका टेन्योर 5 साल का दिया गया था और इनके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर था वो 3 सालों के लिए रखा गया था। उसके बाद जो लेजिस्लेचर है उनको ये मतलब हक दिया गया कि वो क्वेश्चन अराइज कर सकते थे, सप्लीमेंट्रीज दे सकते थे, अजर्नमेंट जो है वो मोशन को पास कर सकते थे, और उसके बाद वो एंड वोट अ पार्ट ऑफ द बजट, मतलब वो जो बजट का एक पार्ट होता है वो उसको कर सकते थे, लेकिन 75% ऑफ द बजट वॉज स्टिल नॉट वोटेबल। मतलब कि बजट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, तो जो मेन पार्ट्स थे वो वोटेबल नहीं थे, उनपे वो वोटिंग राइट नहीं रखते थे, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो होते थे उस पर लाइक 25% में वही कुछ जो लो इम्पॉर्टेंस वाली चीजें होती थी उनपे वो मतलब कर सकते थे, इम्पॉर्टेंट चीजों पे इनको हक नहीं दिया गया था, आपको बस ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो इंडियंस थे इन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें लाके आप हमारे लिए कर क्या रहे हो। ड्रॉबैक्स में अगर आप देखो तो ये जो रिफॉर्म है इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस पर्टिकुलर रिफॉर्म में। जैसा कि अगर आप बात करते हो कि अगर रिफॉर्म में ऐसी कौन सी चीज थी जो इन्होंने इंडियंस के लिए नहीं लाई थी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो इंडियंस को सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर पाई थी, क्योंकि इंडियंस का क्या था कि यहाँ पे इनको एक चीज चाहिए थी जो इनका था एडमिनिस्ट्रेशन में इनको रिकॉग्निशन मिलना। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्ट था 1919 का वो इंडियन के डिमांड्स पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा, क्योंकि रियल पावर अब भी किसके हाथ में थे, गवर्नर जनरल के हाथ में थे और उसके बाद गवर्नर के हाथ में थे। सो जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का, जो इंडियंस की डिमांड थी, वो तो आपने पूरी करी नहीं, वो मतलब जारी रही कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए ना, 1919 के रिफॉर्म में तो आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया। तो अगेन वो कंटिन्यू रहा, डिमांड इनकी कंटिन्यू रही कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। तो इस तरीके से रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ला के भी उन्होंने कैरेट तो दे दिया, लेकिन बाद में स्टिक वाली पॉलिसी उन्होंने लानी शुरू कर दी थी। तो ये जो है इनको पावर जो दी गई थी वो विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो कि किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल के हाथ में या फिर गवर्नर के हाथ में। एक तो उनके पास पावर है और दूसरी बात रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ सब्जेक्ट है, डिफेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सारी चीजें किसके हाथ में है, उनके हाथ में है। और दूसरी तरफ जो रेस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो किसके हाथों में दे दी गई थी, नीचे जो आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनके हाथों में दे दी गई थी। तो इस तरीके से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनके पास पावर भी नहीं था और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने सौंप दी थी। एक तो पहला ड्रॉबैक आपको यहीं पे मिल जाता है। फ्रेंचाइज वॉज वेरी लिमिटेड, जो इलेक्टोरेट थे वो एक्सटेंडेड टू सम ऑफ 1.5 मिलियन, जबकि नॉर्मल पॉपुलेशन इंडिया का कितना था, 260 मिलियन। मतलब 260 मिलियन की पॉपुलेशन है और आप सिर्फ 1.5 मिलियन को आप जो है वो इलेक्टोरेट राइट दे रहे हो। सो
ऑफकोर्स इट्स अ ड्रॉबैक. उसके बाद सेंटर में द लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर द वाइसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. मतलब लेजिस्लेचर को यहाँ पे कोई भी पावर ऐसा नहीं दिया गया था. डिवीजन जो सब्जेक्ट्स का इन्होंने किया था ना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री सेंटर के लिए नहीं था, प्रोविंसेस के लिए भी नहीं था मेरे हिसाब से. एलोकेशन जो सीट्स की गई थी, एलोकेट जो सीट्स इन्होंने किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी. अगर आप कहते हो लेवल ऑफ प्रोविंसेस पे, तो जो डिवीजन हुआ था सब्जेक्ट एंड द पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टू पार्ट्स, वो इर्रेशनल थे, अनवर्कएबल थे. जैसे कि जो इरिगेशन, फाइनेंस या पुलिस या प्रेस जैसे सब्जेक्ट थे जो कि प्रोविंसेस के हाथ में देने जाने थे, वो इन्होंने किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट में रखा हुआ था, ठीक है, जबकि उसको ट्रांसफर सब्जेक्ट में होना चाहिए था. द प्रोविंसियल मिनिस्टर हैड नो कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस एंड ओवर द ब्यूरोक्रेट्स. This would lead to constant friction. मतलब कि अगर जो provincial matter है उनका finance पे कोई control नहीं है या फिर bureaucracy पे कोई control नहीं है, तो फिर उसके बाद उनको friction नहीं आएगा. जब उनको finance की जरूरत पड़ेगी और उनसे वो जब ताल्लुक करेंगे, उनसे जब वो बात करेंगे और वो उनको ग्रांट नहीं करेंगे फाइनेंस, तो फिर उसके बाद दोनों में जो होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो इस तरीके से बहुत सारे इस जो एक्ट है उसके ड्रॉबैक्स थे. अब बात है कि कांग्रेस का रिएक्शन क्या था, कांग्रेस का यहाँ पे क्या कहना था. कांग्रेस बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई नहीं थी. जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो एक्ट था वो कहीं से भी इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था. एंड स्टिल देयर डिमांड कंटिन्यूड. द कांग्रेस मेट इन अ स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 एट बॉम्बे, जहां पे हसन इमाम ने कहा प्रेसिडेंसी करी थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है और अनसेटिस्फैक्ट्री है. मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो था उसको अनवर्दी और डिसअपॉइंटिंग कहा गया था. और उसके बाद तिलक ने इनको कहा था अ सनलेस डॉन. और उसके बाद एनी बेसेंट को का ये भी कहना था कि जो ये रिफॉर्म लाया गया है दैट इज अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट. इंग्लैंड के लिए ये अनवर्दी है कि वो हमें ऑफर कर रहे हैं, और इंडिया के लिए ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि इंडिया इसको एक्सेप्ट करे. तो इस तरीके से ये रिफॉर्म लाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने के बाद भी जो इंडियन सेटिस्फाई नहीं हुए थे, उसी के बाद आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इसके पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि गांधी जी यहाँ पे इंडिया में आ चुके हैं, ठीक है. तो अब हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ गांधी, किस तरीके से इन्होंने अपने अर्ली करियर की शुरुआत करी थी, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया था, इनके जो पैसिव रेजिस्टेंस, जो सत्याग्रह वाली चीज है जो इन्होंने शुरुआत करी थी वो क्या था, इन्होंने कैसे कैसे अपना प्रोटेस्ट किया था, या फिर साउथ अफ्रीका में इनका क्या एक्सपीरियंस था, गांधी जी के जो सत्याग्रह की टेक्निक थी वो क्या थी, और उसके बाद जो इन्होंने अपना जो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च करना शुरू किया था वो क्या था, ये सारी चीजें हम अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी अप बिकॉज दिस सीरीज इज इम्पॉर्टेंट, इट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड बिफोर लीविंग अगेन आई वुड से लेस देन 40 डेज हैव लेफ्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. जॉइन अन अकेडमी टू प्रिपेयर वेल फॉर योर UPSC examination. And आप यहाँ पे subscription ले सकते हो. One subscription, unlimited benefit you get. आपको rank 10 या फिर आपको code 10 या फिर UPSC YT जो code है वो use करना है, ताकि आपको 10% जो है वो discount मिलता है. यहाँ पे कोड आपका रिटर्न है UPSC YT जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है, टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, इट विल बी answered. Okay? It's अनामिका साइनिंग ऑफ. टेक केयर ऑफ yourself. Bye bye.